हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज का लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्लास सिक्स का चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर का स्टार्ट हो रहा है आज से। और माय लवली स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है आप लोग का कंप्लीट सिलेबस मैं अपने चैनल पर कम्प्लीट कराने वाली हूँ। 1 से लेके 5 तक कम्प्लीट कंप्यूटर एंड 6, 7, 8 कंप्यूटर और साइंस कंप्लीट चैप्टर, एक एक चैप्टर मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो रेगुलर मेरा चैनल विज़िट करिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर वॉज ओरिजिनली यूज टू डिस्क्राइब दोज ह्यूमन बींग्स हुज जॉब वॉज टू परफॉर्म द रिपीटेटिव कैलकुलेशन। जो कंप्यूटर वर्ड है उसको सामान्यतः ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि जो लोग जॉब करते हैं, जिनको बार बार कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है, उस फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है कि वहाँ पे उसका यूज़ होता है। द मशीन नेम्ड कंप्यूटर वॉज इवोल्व टू मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इवोल्व्ड का मतलब क्या होता है? विकसित, ठीक है, टू मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन अ फास्टर वे। जो कंप्यूटर, जो मशीन नाम दिया गया है कंप्यूटर का, उस क्या है, कैलकुलेट, कितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो उसे बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट वे में सॉल्व कर लेता है, ठीक है। नाउ अ डेज इट प्रोसेस डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कैलकुलेशन इज़ वन ऑफ द टास्क इट परफॉर्म्स। आजकल कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। कैलकुलेशन उसमें से एक परफॉर्मेंस है, लेकिन साथ में डेटा प्रोसेस भी करता है। सो वी कॉल इट प्रोसेसर और प्रोसेसिंग मशीन। इसलिए हम इसे कह सकते हैं प्रोसेसर और प्रोसेसिंग मशीन। इसके पहले जनरली लोग क्या बोलते थे कि कंप्यूटर बस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है वर्क प्लेस पे एंड ऑल। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है, डेटा प्रोसेस भी करता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रोसेसर या प्रोसेसिंग मशीन भी कहेंगे, ठीक है। आगे क्या है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा, परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशंस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है, परफॉर्म करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, चाहे प्लस माइनस जो भी कैलकुलेशन हो, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन हो, डेटा प्रोसेसिंग हो, सारा काम कंप्यूटर करता है और उसका रिजल्ट डिस्प्ले करता है, ठीक है, उसका रिजल्ट हमें शो करता है, ठीक है, ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिसे हम जैसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, वो सॉफ्टवेयर इस काम के लिए, तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है, ठीक है। दैट वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई अस। जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव यूजफुल आउटपुट। कंप्यूटर की एबिलिटी क्या है, डेटा को प्रोसेस, डेटा को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना और एक यूजफुल, यानी जो हमारी यूज़ का है वो आउटपुट देना। हम कभी भी गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी वर्ड्स डाल देते हैं, रॉन्ग राइट कुछ भी, उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमें मिलता है, मिलता है ना, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट फॉलोज़ द IPO साइकिल। हम कह सकते हैं कि मशीन किस को फॉलो करता है, IPO साइकिल को फॉलो करता है, ठीक है। IPO साइकिल क्या है, I बोले तो इनपुट, P बोले तो प्रोसेस, O बोले तो आउटपुट, इस साइकिल पे कंप्यूटर वर्क करता है, इसे फॉलो करता है। द इनपुट डिवाइसेज आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर विच आर द प्रोसेस्ड बाई द CPU। इनपुट डिवाइसेज क्या करती हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि क्या करना है या कैसे करना है, जो भी है, ठीक है। और जो CPU होता है वो उस डेटा को प्रोसेस करता है, यानी उस डेटा पे वर्क करता है जिससे हमें मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना आप लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर किस साइकिल पे वर्क करता है, IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ओके। द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइसेस।
जो रिजल्ट होता है वो किस पे डिस्प्ले होता है, आउटपुट डिवाइसेस पे, ठीक है। अ कंप्यूटर मेक्स अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर कई टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जो डेटा को स्टोर करती है और इंस्ट्रक्शन देती है, ठीक है। आइए देखते हैं आईपीओ साइकिल क्या है। यहाँ पे आईपीओ साइकिल को डिटेल में समझाया है। सबसे इनपुट सीपीयू आउटपुट, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या करती है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है और सीपीयू से डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी है। फिर जब फिर मेमोरी में स्टोर होता है और मेमोरी से सीपीयू में जाता है, उसके बाद हमें मिलता है आउटपुट डिवाइसेस से हमें रिजल्ट मिलता है। डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो रिजल्ट शो होता है, ठीक है, स्क्रीन पे। आगे देखते हैं, अ कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स। कंप्यूटर किस पे रन करता है, मतलब कंप्यूटर किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और ओनली दो अवस्था को समझता है, ठीक है, ओनली टू स्टेट को कंप्यूटर समझता है, ऑन और ऑफ। ये प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया था, कंप्यूटर सिर्फ टू स्टेट्स को समझता है, ऑन और ऑफ। ऑन किस कौन रिप्रेजेंट करता है, वन रिप्रेजेंट करता है ऑन को और ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है ऑफ को। यानी वन का मतलब होता है ऑन और ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ। ओके, ऑन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन। देखिए आगे दिया है, ऑन की वन के द्वारा क्या रिप्रेजेंट होता है, ऑन, और ऑफ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो। ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ को। यानी ज़ीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन, ठीक है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ओनली ज़ीरो एंड वन। कंप्यूटर दो लैंग्वेज समझता है ओनली, वो क्या है, ज़ीरो और वन। इट इज़ कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज, और इसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज और द मशीन लैंग्वेज। इसे बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। एन इनपुट डिवाइस टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू बाइनरी फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम उन्हें देते हैं उसे, हमारे जो हम डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे कन्वर्ट करती हैं बाइनरी फॉर्म में, जिसे कि कंप्यूटर समझता है। क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। वो लैंग्वेज कौन सी है, ऑन और ऑफ, ठीक है। एंड आउटपुट डिवाइसेस टेक डेटा इन द बाइनरी फॉर्म फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इन टू अ फॉर्म दैट वी कैन रीड। और जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर से बाइनरी फॉर्म में डेटा को प्राप्त करती हैं, रिजल्ट को प्राप्त करती हैं, लेकिन उसे हमें किस फॉर्म में शो करती हैं, उस फॉर्म में जैसे हम रीड कर सकें, जो हम समझ सकें, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस को जो हम डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या करती हैं, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं, जो कंप्यूटर समझ सके। और फिर कंप्यूटर में डेटा जो प्रोसेस हो जाता है तो आउटपुट डिवाइसेस उस डेटा को, ऐसा डेटा उन्हें मिलता है बाइनरी फॉर्म में, उसे वो कन्वर्ट कर देती हैं उस फॉर्म में जिसे हम रीड कर सकें, जो लैंग्वेज हम समझ सकें, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया सबसे पहले आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जनरली हार्डवेयर वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर which includes the various electronic components, display, monitor, mouse, keyboard, printer, etc. हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर वो सभी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। हार्डवेयर जो सभी फिजिकल यानी जो बाहरी जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के, वो क्या है, हार्डवेयर है, जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल में क्या है, आपका डिस्प्ले, मोनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब क्या है, आपका हार्डवेयर है, ठीक है। According to the uses, hardware has been classified as use के according, मतलब जैसा उसका जैसे जैसे use है उसके according उसको classify किया गया है hardware को, ठीक है। कई part में input devices, output devices, CPU, storage devices, ठीक है। सबसे पहले है आपका input devices, आइए देखते हैं input devices क्या होता है। The input devices are responsible for taking in data or raw facts into the computer. इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिम्मेदार होती है डेटा या रॉ फैक्ट को कंप्यूटर को सेंड करने के लिए। द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग। सीपीयू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। एंड आउटपुट डिवाइसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट। और आउटपुट डिवाइसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आउटपुट को डिस्प्ले करना, ठीक है।
सो करना. द स्टोरेज डिवाइसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़. और स्टोरेज डिवाइसेज क्या करती हैं, डेटा को स्टोर करती हैं, डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए. ठीक है. द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज आर आल्सो कॉल्ड पेरीफेरल्स. जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं उन्हें हम पेरीफेरल डिवाइसेज भी कहते हैं. ठीक है. विच मे बी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम. जो कि कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट भी हो सकती है और डिसकनेक्ट भी हो सकती है. ठीक है. सम पॉपुलर इनपुट डिवाइसेज आर लिस्टेड बिलो. कुछ पॉपुलर इनपुट डिवाइसेज नीचे दी गई हैं. सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड. ठीक है. कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं बताइए आप लोग. नॉर्मल तो ऐसे जो आपका पीसी कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीबोर्ड होते हैं. कितना, 104 कीज होती हैं कीबोर्ड में. ठीक है. लेकिन ये मॉडल टू मॉडल वेरी भी करता है. जैसे एप्पल कीबोर्ड होता है उस न्यूमेरिक के साथ, उसमें 109 होता है. विंडोज़ लैपटॉप कीबोर्ड होता है उसमें 86 कीज़ ही होती हैं. US ट्रेडिशनल कीबोर्ड होता है उसमें 101 कीज़ होती हैं. ठीक है. तो कीबोर्ड में जो कीज़ होती है वो मॉडल टू मॉडल वेरी होती है, लेकिन जो जनरली यूज़ होता है PC कीबोर्ड उसमें होता है 104 कीज़. ठीक है. आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन. अ कीबोर्ड इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है. इट हैज़ अ नंबर ऑफ कीज फॉर एंटरिंग अल्फ़ाबेट नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर. इसमें नंबर्स, इसमें कई सारे कीज़ होते हैं जो कि डेटा इंटर करते हैं किस फॉर्म में, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, स्पेशल करेक्टर. अल्फ़ाबेट ABCD आपको पता है, नंबर्स फॉर्म में 1 2 3 4. ठीक है. और स्पेशल करेक्टर के फॉर्म में बोले तो हैशटैग, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, ये सब किस में आता है, स्पेशल करेक्टर में आता है. ठीक है. When you press a key, the code of the key is sent to the CPU in binary form. जब भी हम कीबोर्ड में कोई की प्रेस करते हैं वो CPU को कोड सेंड करता है किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में. ऊपर हमने पढ़ा ना कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, डेटा या रॉ डेटा को कंप्यूटर के फॉर्म में कंप्यूटर को देती हैं, जिसे जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है. और आउटपुट डिवाइसेस बाइनरी फॉर्म से उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे हम रीड कर सकते हैं. ठीक है. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है इनपुट डिवाइस. माउस. ये है आप लोग का माउस. अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विथ 2 or 3 बटन्स. माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें 2 या 3 बटन्स होते हैं. एरो होता है ना, इधर उधर मूव करता रहता है, कर्सर भी कहते हैं. वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर बाई क्लिकिंग द माउस बटन. हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को माउस बटन को क्लिक करके. ठीक है. इट लेट्स अस पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मोनिटर. ये क्या करता है, पॉइंट करता है किसी भी डेटा को, और सेलेक्ट करने का भी काम होता है. हम डबल क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है ना डेटा. इट ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ एंड पेंट. और ये ड्राॅइंग करने और पेंट करने में भी हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक. ये है आपका जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टिक दैट इज अटैच्ड टू अ बेस. जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि जिसमें एक स्टिक होती है जो कि एक बेस से, ये है इसका बेस और ये है स्टिक. इससे क्या होती है, कनेक्ट अटैच्ड होती है, कनेक्टेड होती है. द स्टिक मूव्स एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर और सम अदर डिस्प्ले सिंबल ऑन द स्क्रीन. ये जो स्क्रीन, ये जो स्टिक है इसे हम मूव करके कर्सर को, जो पॉइंटर है ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको उसके मूवमेंट को. नेक्स्ट देखते हैं आपका है लाइट पेन. द लाइट पेन ये है आपका लाइट पेन सॉरी ये है आपका लाइट पेन. ठीक है. आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन. द लाइट पेन इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस. लाइट पेन भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है. विच इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पेन, जो कि पेन के फॉर्म में है, होती है. ठीक है. लाइट पेन क्या होती है, पेन जैसा होता है. अलाउ नेचुरल मूवमेंट ऑन द स्क्रीन, जो कि मूवमेंट जो स्क्रीन पे होता है उसको अलाउ करता है. ठीक है. हम पेन से स्क्रीन को टच करते हैं तो स्क्रीन पे वर्क होता है, जैसे हम फिंगर से टच करते हैं तो वर्क करती है ना स्क्रीन, उसी तरह पेन, लाइट पेन भी वर्क करता है. ठीक है. दिस इट डज विद अ रिसेप्टर विच हेल्प इन लोकेटिंग द पेन पोजिशन. इसमें एक रिसेप्टर होता है, एक मीडियम होता है जो हेल्प करता है पेन्स की पोजिशन को लोकेट करने में. ठीक है.
It is generally used for drawing on the screen and is also used to change the size, color and shape of a screen section. ये generally इसका use, मतलब ज़्यादातर सामान्यतः इसका normally use क्या होता है, drawing करने पे screen पे, और इसका use होता है size change करना, color change करना, shape of a screen section, screen section का जो shape वो सब change करने का काम करता है, ठीक है. Next आपका है graphic tablet. ये है आपका graphic tablet, ठीक है. आइए देखते हैं डिटेल. ग्राफिक टैबलेट, अ ग्राफिक टैबलेट इज यूज टू ड्रॉ इमेजेस एंड पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ग्राफिक, ये है आपका ग्राफिक टैबलेट. ये क्या, इस पर क्या होता है, ड्रॉ कर सकते हैं हम पिक्चर्स या इमेज कोई भी स्क्रीन पे, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्फेस ऑन विच द यूज़र कैन ड्रॉ यूजिंग अ पेन लाइक ड्राॅइंग डिवाइस कॉल्ड स्टाइलस. इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्फेस. इसका जो सर्फेस होता है ये क्या होता है, फ्लैट, यानी इसके जो स्क्रीन होती है क्या होती है, एकदम फ्लैट होती है, ठीक है. टैबलेट कैसा होता है, पेन, आपको जो एंड्रॉयड फ़ोन हो तो उसे थोड़ा बड़ा, थोड़ा साइज इसका बड़ा होता है, लेकिन स्क्रीन फ्लैट होती है ना, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्फेस ऑन विच द यूज़र कैन ड्रॉ यूजिंग अ पेन. इस पर एक पेन से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आप ड्रॉइंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइलस, यानी ये जो पेन है जिससे हम ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टाइलस, ठीक है. ग्राफिक टैबलेट्स आर ऑफ अ ग्रेट यूज टू आर्टिस्ट हु लाइक टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर. ग्राफिक टैबलेट कौन ज़्यादा लाइक करता है, जो आर्टिस्ट होते हैं जिनको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है और जो कंप्यूटर पे डायरेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं वो इसको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ठीक है. अब आपका आ गया स्कैनर. ये सब आपके आउटपुट, सॉरी, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग. स्कैनर, स्कैनर इज़ यूज टू कैप्चर इमेजेस ऑफ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट बोथ हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर एंड स्टोर देम इन अ ग्राफिक फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग बैक ऑन द स्क्रीन. स्कैनर आपका क्या होता है, ये है आपका स्कैनर, ठीक है. इस पर हम कोई भी पेपर, चाहे हैंड रिटन हो चाहे प्रिंटेड हो, उसको रखते हैं तो वो उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, इमेज के फॉर्म में, और उसे कंप्यूटर में सेव कर लेता है, ठीक है. पिक्चर या टेक्स्ट कुछ भी हो, हैंड रिटन हो या फिर प्रिंटेड हो, उसे वो क्या करता है, स्कैन कर लेता है और उसे एक ग्राफिक यानी एक पिक्चर के फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है, टच स्क्रीन. टच स्क्रीन तो आप सबको पता है, हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है ना. आइए देखते हैं टच स्क्रीन के बारे में. अ टच स्क्रीन इज अ मॉनिटर स्क्रीन. टच स्क्रीन क्या है, एक मॉनिटर की स्क्रीन है दैट अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर सिस्टम बाय टचिंग एन एरिया ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन. जो कि अलाउ करता है इंटरैक्ट करने के लिए लोगों को, यूजर्स को, यानी जो यूज़ करते हैं, जो यूज़र्स हैं उनको इंटरैक्ट करना अलाउ करता है टच करके. हम स्क्रीन पर टच करके कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है उस पर हम टच करते हैं, ठीक है. मोबाइल भी हम टच स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं ना, तो स्क्रीन को टच करते हैं हम जो भी फंक्शन करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं. तो ये जो टच स्क्रीन है ये क्या है, हमारे और फ़ोन या हमारे और कंप्यूटर के बीच में क्या है, इंटरेक्ट होने का एक माध्यम है, ठीक है. यू मस्ट इंटरेक्ट होना, मतलब इस पर वर्क करने का एक माध्यम, एक मीडियम है, ठीक है, जिससे हम कनेक्ट हो पाएँ. यू मस्ट हैव सीन टच स्क्रीन कंप्यूटर्स इन ATM. आपने अक्सर देखा होगा, आपने देखा होगा कभी ना कभी, हर कोई ATM में जा, ATM मशीन यूज़ किया ही है ना. यू मस्ट हैव सीन टच स्क्रीन कंप्यूटर्स. वहाँ पे आपका क्या, टच स्क्रीन कंप्यूटर होता है ना ATM में. ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ATM ऑफ डिफरेंट बैंक, अलग अलग बैंक में ATM जो मशीन होता है उसकी स्क्रीन क्या होती है, टच स्क्रीन कंप्यूटर लगा होता है ना उस पर, वहाँ पर. और ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन. आइए अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड अदर साउंड्स इनटू अ कंप्यूटर. ये है आपका माइक्रोफोन, जो कि जिसका उपयोग किया जाता है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए या अन्य साउंड, कोई भी आवाज़ हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में, ठीक है. नेक्स्ट है आपका डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा क्या होता है, मोबाइल सेल्फी तो आप लोग बहुत लेते हैं, है ना, कैमरा भी आपको पता है. ये देखते हैं इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है. दिस डिवाइस कैन बी यूज टू इंटर फोटोग्राफ्स एंड वीडियो इनपुट इनटू द कंप्यूटर. ये जो डिवाइस होता है वो, इसका उपयोग किस में कर सकते हैं हम, फोटोग्राफी में और वीडियो कर
वीडियो कैप्चर करने में, ठीक है। लेटर दीज कैन बी एडिटेड विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर दैट आर स्पेशली डिजाइंड फॉर दिस पर्पस। बाद में हम इसे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर्स है, वीडियो है, उसे हम कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस भी पर्पस के लिए आप लोग चाहते हैं, ठीक है। अब आ गया आप लोगों का वेब कैमरा, ये है आपका वेब कैमरा। अब वेब कैमरा को शॉर्ट में वेब कैम भी बोलते हैं, ठीक है। अब वेब कैम और वेब कैमरा इज डिजिटल कैमरा दैट इज यूजुअली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी इंटरफेस। वेब कैमरा क्या होता है, ज़्यादातर किस में यूज़ होता है, कंप्यूटर में, और ये यूएसबी से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये एक डिजिटल कैमरा है, ठीक है। वेब कैम्स कम विथ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूज़र टू रिकॉर्ड वीडियो एंड सेंड द वीडियो ऑन द वेब। वेब कैम क्या है, वेब कैम कम विद द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के साथ जो कि अलाउ करता है यूज़र को रिकॉर्ड करने में वीडियो, ठीक है, और उसे सेंड करने में हेल्प करता है वेब पे, ठीक है। मेनी लैपटॉप्स कम विद एन इनबिल्ट वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन। कई सारे लैपटॉप में वेब कैम होता है, वेब कैमरा होता है, ठीक है, माइक्रोफोन के साथ। वेब कैम एंड माइक्रोफोन कई सारे लैपटॉप्स में होता है, लैपटॉप में ऊपर होता है ना छोटा सा कैमरा, उसे ये कहते हैं वेब कैम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका शॉर्ट फॉर्म है MICR। MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्स एवरी डे। MICR का यूज़ ज़्यादातर बैंक में होता है और प्रोसेस करने के लिए चेक, जहाँ पे ढेर सारा चेक प्रोसेस होता है डेली, एवरी डे, ठीक है। द बैंक्स कोड नंबर्स एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड विद अ स्पेशल इंक दैट कंटेंस पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर मशीन रीडेबल। बैंक का जो कोड होता है, जो चेक नंबर होता है, वो उस जो प्रिंट होता है वो किस इंक से, उसका जो इंक होता है उसमें पार्टिकल्स, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें, ठीक है, जिसको कि मशीन आसानी से रीड कर सकता है। एन MICR रीड्स द कैरेक्टर्स एंड सेंड टू द कंप्यूटर एज इनपुट। ये जो डिवाइस है ये क्या करती है, जो चेक है उस पर जो नंबर है, ठीक है, जो कोड नंबर है, जो चेक नंबर है, उसे क्या करती है, उसके कैरेक्टर्स को सेंड करती है कंप्यूटर को एज अ इनपुट, जैसे हम इनपुट के फॉर्म में, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज दैट इट इज़ फास्ट एंड लेस एरर प्रोन। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है MICR का, कि ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है और इसमें एरर बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी आप लोगों ने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है, आगे जब आप लोग कोई भी कंपटीशन में बैठेंगे, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे आपको एक OMR सीट मिलती है, ठीक है, जिसमें कि डॉट 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 बना रहता है, ठीक है। ये है आपकी OMR सीट, ये है आपकी OMR सीट, और ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR सीट को जो रीड करता है, ठीक है। ये है आपकी OMR सीट, और ये जो मशीन है इसे कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OMR इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज द मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल ऑन अ स्पेशली डिजाइन सीट ऑफ पेपर। ये जो मशीन है OMR जो है, ये जो सीट होता है, जो OMR सीट होती है, जिसको हम पेंसिल या पेन से उस डॉट को फिल करते हैं, भरते हैं, उसको ये रीड कर लेती है, ठीक है। इट इज स्पेशली यूज फॉर चेकिंग द आंसर सीट ऑफ एग्जामिनेशन। ये स्पेशली किस लिए बनाया, इसका यूज किया जाता है जो आंसर सीट होता है एग्जाम का, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउट ऑफ विच वन आंसर इज टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क्ड, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो आंसर क्वेश्चन सीट होती है, जो आंसर होता है मल्टीपल चॉइस में होता है, उसमें से कोई एक ABCDE है, तो उसमें से कोई ए पे टिक किया है हमने, बी पे टिक किया है, ठीक है, कोई एक होता है, उसको ये क्या करती है, रीड करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बारकोड रीडर, ये है आपका बारकोड। बारकोड आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बुक्स वगैरह के पीछे, जो ऐसे लाइनिंग होती है ना, थोड़ी
थोड़ी स्पेस में लाइनिंग होता है, समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, वो होता है आपका बारकोड। और ये जो मशीन है ये क्या है, बारकोड रीडर है। वो हम से नहीं समझ पाते हैं लेकिन ये मशीन उसको रीड कर लेती है, इसे ही हम कहते हैं बारकोड रीडर। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। बारकोड रीडर क्या है? अ बारकोड इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्टिकल लाइंस, डेटा इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइंस। बारकोड क्या है? एक ये जो बारकोड है ये क्या है, ग्रुप है वर्टिकल लाइंस। ये जो वर्टिकल लाइंस मैंने बताया ना आप लोग को, ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है ना, ऐसे 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 एकदम पास पास लाइनिंग होती है थोड़ी दूर में, बुक्स के पीछे और आपका कोई भी गुड्स है, ठीक है, कोई भी आपका सामान है उस पर भी आप देखेंगे अक्सर ऐसा होगा, थोड़ी दूर में ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन का समूह होता है, ग्रुप होता है। डेटा इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क, इसमें जो इसमें डेटा क्या है, लाइट या डार्क लाइन में डेटा इसमें रहता है, इसे हम नहीं समझ सकते। बार कोड रीडर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बार कोड डेटा, जनरली यूज इन द लेबल ऑफ गुड्स बुक्स एट्सेट्रा। ये जो बारकोड रीडर ये जो मशीन है ये क्या करता है, ये एक डिवाइस है जो कि इस कोड को, ये जो बारकोड है इसको रीड करने का काम होता है। यहाँ पे देखो बारकोड है ना, इसको ये रीड कर सकता है। ठीक है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, इसे ये मशीन रीड कर सकती है, इसे हम क्या कहते हैं, बारकोड रीडर। ठीक है, और ये जो कोड है इसका नाम है बारकोड, और ये वर्टिकल लाइंस का एक ग्रुप होता है। ठीक है, इट स्कैन्स अ बारकोड इमेज, converts it into an alphanumeric value which is then fed to the computer to which barcode reader is connected। ये क्या होता है, बारकोड इमेज को क्या करता है, स्कैन करता है और इसको कन्वर्ट करता है अल्फान्यूमेरिक वैल्यू में, which is then fed to the computer to which barcode reader is connected, कि कंप्यूटर को इससे पता चलता है कि कौन से बारकोड से कनेक्टेड है। ठीक है, बारकोड रीडर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो वो इसको, इसमें जो अल्फा न्यूमेरिक है, जो भी इसमें डेटा है, उसको कंप्यूटर को बताता है जो इसके वैल्यू है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आप लोग के आउटपुट डिवाइसेस, आज हमने क्या पढ़ा है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा और MICR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, बारकोड रीडर। ये सब क्या थे आपके, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में जाना, अब नेक्स्ट सेशन में जानेंगे CPU और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ाई अच्छे से करिए आप लोग, अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर ज़्यादा मत निकलिए, निकलिए भी तो मास्क लगा के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।